नाम जी मेरा बलवंत सिंह है जी, और गांव अपना 19Z, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। मोबाइल नंबर होता है जी अपना? मोबाइल नंबर जयपाल जी मेरा है 7733826161। कितनी गाय जी भाई साहब आज की वीडियो में? आज जयपाल जी 5 गाय है जी। 5 गाय है, जिनमें से कितनी ब्याई हुई है जी? इनमें से 2-3 ब्याई हुई है जी, 2 प्रेग्नेंट। 3 ब्याई हुई है और 2 प्रेग्नेंट है जी। सभी गायों के बारे में एक एक करके जानकारी लेनी है। सबसे पहले जो बड़ी गाय है जी आपकी, जी सर, इसके बारे में डिटेल दे दीजिए। ये जयपाल जी सेकंड टाइमर है, दूसरी बार बच्चा देगी। अभी लगभग 15 दिन बाकी है जी, ठीक है जी, ब्याने में। और फर्स्ट टाइम का इसका मिल्क रिकॉर्ड 13 लीटर का था जी, और अब की बार 14 से प्लस ही दूध डाल देगी। और स्वभाव से जयपाल जी बिल्कुल शांत है, चाहे नीचे बैठ जाओ इसके, ऐसा हिलने डुलने का कोई चक्कर नहीं है जी। फुल हाइट लेंथ की गाय है, स्वभाव एक नंबर है जी। प्राइस बताइए सर, कीमत क्या डिमांड कर रहे हो? कीमत जयपाल जी इसके लिए 45,000 रुपये। 45,000 रुपये जी? 45,000 रुपये, हाँ जी। तो मोल भाव करोगे जी? इसमें थोड़ा मान सम्मान कर देंगे जी, जो भी भाई लेना चाहता है तो मान सम्मान जरूर करेंगे जी। अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। ये भी सेकंड टाइमर है जी, और हाँ जी अभी ले जाएगी जयपाल जी, 10 दिन इसमें बाकी है ड्यू ब्याने में। और दूध ये भी लगभग 13 लीटर इसने फर्स्ट टाइमर दिया है, अभी 14 लीटर से प्लस ही डालेगी। और कीमत की इसकी बात की जाए तो 40,000 रुपये इसमें डिमांड कर रहे हैं जी। 40,000? हाँ जी। 40,000 रुपीज़ जी, बिना सींगों में आएगा जी। 40,000 रुपये आप प्राइस डिमांड कर रहे हो, कुछ कम ज़्यादा जी? मान सम्मान कर देंगे जी। मान सम्मान कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, गाय व्यूअर्स आपको चलाकर भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हाथ फिराकर भी बलवंत जी दिखा रहे हैं। गाय का स्वभाव बड़ा ही प्यारा है, शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है, अच्छी हाइट लेंथ है और ठंडा सील स्वभाव है, दोनों ही गाय शांत है जी। हाँ जी, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं जी। अगली गाय के बारे में डिटेल ले रहे हैं। ये जयपाल जी सेकंड टाइमर है, पीछे बछड़ी है जी इसके, फीमेल काफ है। हाँ जी, फीमेल काफ। हाँ जी, कितने दिन की ब्याई हुई है? ये लगभग 10 दिन इसको कंप्लीट हो गए जयपाल जी। 10 दिन? हाँ जी। ठीक है, मिल्क कितना रेडी कर? मिल्क किसका जी? अभी 13 लीटर रेडी है जी। 13 लीटर तो लगभग लगभग अपने दूध पे आ गई है। हाँ, लगभग आ ही गई है जी दूध पे, पूरा लगभग अपने दूध पे आ गई है। एक आधा लीटर और बढ़ाएगी, नहीं तो इतनी आप अनुमान लगा के चलिए कि 13 लीटर कन्फर्म है इसका। 13 लीटर जी। काफ क्या इसके साथ? फीमेल काफ है जी, बछड़ी है नीचे, बछड़ी है इस गाय के साथ। हाँ जी, हाँ जी। गाय काफी शानदार है और इसके साथ बछड़ी है, थोड़ा गाय को घुमाइए। क्वालिटी बहुत है जी, गलकम्मल हम्प वगैरह फुल क्वालिटी है इसमें, क्वालिटी अच्छी है। हाँ जी। प्राइस क्या डिमांड करोगे इसके लिए? इसके लिए जयपाल जी 35,000, 35,000 रुपए। हाँ जी, 35,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं जी। ठीक है जी भाई साहब जी। आपकी अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं, इस गाय के बारे में डिटेल दे दीजिए साहब। ये भी सेकंड टाइमर है जी, अभी हाँ सुबह ही इसने काफ को जन्म दिया है। अच्छा, ब्याह चुकी है? हाँ, ब्याई हुई है जी। अच्छे दूध वाली गाय, गुलाबी गुलाबी थन है जी, मोटा थन लगा हुआ है। हाँ है। हाँ जी, स्वभाव से शांत है जी। कंप्लीट डिटेल दीजिए सर। इसके नीचे बछड़ा है जयपाल जी, सुबह ही इसने बच्चे को जन्म दिया है, दूध निकलवाने में शांत है। अभी खीस ही निकाला था इसका लगभग 3-1 किलो। 3 किलो खीस? हाँ, ज्यादा निकाला नहीं ताकि जी कैल्शियम कम ना हो जाए। ताजा बेबी है तो पूरा खाली नहीं? हाँ, अभी नहीं किया। लगभग इसकी कैपेसिटी 13 प्लस की रहेगी जी। 12 लीटर निकाल देगी आराम? 100% है जी, 12 लीटर आराम से निकाल देगी जी। 12 लीटर दूध क्षमता ये गाय आराम से इस ब्याज पे बना सकती है, जैसा बलवंत जी भाई साहब ने बताया है। कीमत भी जान लेते हैं भाई साहब से, प्राइस क्या डिमांड कर रहे हो जी? इसके लिए जयपाल जी 32,000 रुपये फिक्स प्राइस है। 32,000? 32,000 रुपीज़ फिक्स प्राइस है जी। ये प्राइस फिक्स है? हाँ जी। कम ज़्यादा इसमें नहीं होगा? इसमें बार्गेनिंग नहीं है जी। मोल भाव तो नहीं होगा? नहीं जी, सम्मान तो होगा जी, मान सम्मान कोई थोड़ा बहुत जरूर करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझो कि फिक्स प्राइस ही है। फिक्स ही प्राइस? हाँ, फिक्स है जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, गाय के बारे में डिटेल लेते हैं, इस गाय के बारे में बताइए भाई साहब। ये भी जयपाल जी सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर है। पीछे इसके मेल काफ है, बछड़ा है जी। ठीक है जी। और दूध इसका लगभग 12 लीटर रेडी है अभी। ठीक है, थोड़ा घुमाइए जी इसको भी। अभी इसने बच्चे को 10 दिन हो गए कंप्लीट दिए को, जन्म दिए को। हाँ। और वो काफ है जी, ब्लैक वाला, ब्लैक काफ है इसके। हाँ जी, दूध निकलवाने में शांत है, न्याणा लगा के आप दूध निकाल सकते हो जी। और वैसे तो किसान 3 टाइम दूध निकालता था इसका, 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम। अच्छा जी।
लेकिन हमने इसको दो टाइम पे कर दिया, यानी सुबह हाँ दो टाइम को, दो टाइम ही दूध निकाले तो बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी, दो टाइम बच्चे को पिलाने के लिए जरूर से हो सकता है, तीन टाइम आप निकाल लो। हाँ जी हाँ जी, बाकी तीन टाइम दूध देसी गाय का नहीं निकालते, नहीं निकालते, वो निकालते थे लेकिन हमने इसकी आदत चेंज कर दी। दूने का टाइम सुबह शाम का, हाँ सुबह शाम का सही रहता है जी, सुबह शाम का ही। हाँ जी, दूध निकलवाने में शांत है। कितना रेडी कर लेगी जी? 12 लीटर अभी तैयार है जी, इसके नीचे 12 ही मान ले। हाँ 12 मान लो, ऊपर जैसे खाने पीने पे है जी, जैसे ग्राहक मान लो, हाँ जी इसको डाइट देता है उस हिसाब से। हाँ जी हाँ जी, प्राइस क्या डिमांड करेगा सर? इसके लिए जयपाल जी 30,000 रुपए फिक्स प्राइस है। 30,000 रुपए फिक्स प्राइस है जी। ये फिक्स प्राइस है, फिक्स है जी, यहाँ से नीचे में नहीं दोगे? नहीं देंगे जी। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने ऐसी शानदार गाय दिखाई जी। व्यूअर्स, आपको इन गायों में से कौन सी गाय अधिक पसंद आई आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, गाय पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियो को शेयर करें ताकि देसी गोवंश को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम को बल मिले। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी।